फर्स्ट एपिसोड में देखा, हमने यात्रा करी केदारनाथ के लिए और हमारी यात्रा स्टार्ट हुई कोलकाता से हरिद्वार तक। और हम यहाँ पहुँचने के बाद हमने लिया एक आश्रम और ठीक उसके बगल में एक ही ट्रैवल एजेंसी जहाँ से हमने अपनी ये यात्रा के लिए गाड़ी बुक करवाई, और उसके ऊपर में एक डिटेल वीडियो तो आपको देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू नहीं जाना चाहते हो, अगर आपको बस से यात्रा करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी है सौरभ? हरिद्वार रेलवे स्टेशन ऋषिकेश बस स्टैंड के सामने हम लोग को बस मिल जाएगा, पर पर्सन 550 या 600 अराउंड मिलता है पर सीट पर। जो बस से जाना है वो बस से जा सकता है। या बस वहाँ तक ड्रॉप करती है? बस हम लोग को शॉर्ट ट्रैक तक ड्रॉप करेगी, वहाँ से हम लोग को फिर अराउंड 700 to 800 मीटर्स वॉक करना पड़ेगा। तो बॉलीवुड के लिए जो शेयरिंग कैब मिलता है वहाँ तक जाने का। करेक्ट। सो ये हो गया जिनको यात्रा बस में करनी है। जैसे कि एक दो लोग अगर आते हैं ये यात्रा करने के लिए तो उनके लिए तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ बुक करना पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बट फिर भी अगर आप बस से यात्रा करने चाहते हो तो मैंने सोचा एक छोटी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। अभी आप देख रहे हैं हम निकल पड़े अपने यात्रा के लिए। जिस ट्रैवल एजेंसी से हमने गाड़ी बुक कराई थी भैया सुबह 7 बजे ही पहुँच गए थे और अभी हम लोग अपनी यात्रा के लिए जा रहे हैं। यहाँ से करीब हमें 240 किलोमीटर हमें और तय करने केदारनाथ के लिए सर। जी। तो अभी तक आपने मेरी अगर फर्स्ट एपिसोड नहीं देखी है तो इस वीडियो के आई बटन में आपको मेरी फर्स्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाके चेक करो। और ये वीडियो ज़रूर आप पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। वो वाली बिल्डिंग है आश्रम की और हम लोग अभी है त्रिवेणी ट्रैवल कंसल्टेंसी में। अभी करने वाले हैं बातवात अपने केदार और तुंगनाथ की यात्रा के लिए। जैसे मिली ये है अंकल आपका, गुड डे राजेश। कहाँ कहाँ की यात्रा आप लोग प्रोवाइड करते हैं? चारों धाम की तरफ है, बद्री केदार, यमुनोत्री, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, जेम कॉर्बेट, दिल्ली, आगरा, मथुरा, मथुरा। ये सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, तो जाइलो मिल जाएगा, मैक्स मिल जाएगा, ट्रैवलर मिल जाएगा, इंडिगो मिल जाएगी। ये शायद बसेस के चार्ट है ना? ये बसेस के चार्ट है। तो ये रही कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगा। अभी हम लोग करते हैं अपनी जो यात्रा है उनको लेकर बात और कितने क्या रेट में फाइनल होती है मैं भी आपको प्रॉपर डिटेल्स में आपको शेयर करता हूँ। थोड़ा अपने को बीच में वो देवप्रयाग संगम वगैरह भी ये हरिद्वार से स्टार्ट हो रही है, से चलेंगे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए जी, और यहाँ राणा चट्टी या सियाना चट्टी में आपकी नाइट होगी। ओके। दूसरे दिन सुबह गाड़ी आपको यहाँ से लेगी और सोनप्रयाग ड्रॉप कर देगी जी। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंडा, यहाँ से आपको लोकल जीप लेनी पड़ेगी। हाँ। वो 30-40 रुपये सीट लेते हैं, 50 रुपये। हाँ, वो आपको गौरीकुंड ड्रॉप कर देगा। यहाँ से फिर 18 किलोमीटर का ट्रैक है जी, ऊपर जाएंगे, यहाँ नाइट होगी, पहली नाइट यहाँ होगी, दूसरी यहाँ होगी, तीसरे दिन फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ से फिर जीप पकड़ के फिर सोनप्रयाग से गाड़ी मिलेगी। वो फिर आपके ऊपर टाइम पर डिपेंड करता है आप किस समय तक नीचे आते हो। हाँ, फिर यहाँ से लेके आपको गाड़ी ले जाएगी यहाँ पर तुंगनाथ, ओकी मठ दर्शन करा देगी, फिर आपको वन राइड करा देगी, फिर अगले दिन वहाँ से गाड़ी ले जाएगी चोपता आपको ड्रॉप कर देगी। चोपता से आप ऊपर जाओगे तुंगनाथ ट्रैक करके, 4 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर और ऊपर जाना है तो 1.5 किलोमीटर आगे चंद्रशिला देख के आ सकते हो। फिर नीचे आओगे, नीचे से गाड़ी लेके फिर आपको वही नाइट करा देंगे। आप 5वें दिन इधर से निकल के प्रयाग रुद्रप्रयाग संगम दिखाते हैं, समय बचेगा तो ऋषिकेश भी दिखा देगा। पर मैप के हिसाब से सर ने एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया, और प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी ट्रैवल एजेंसी आपको दिखेगी सबका रेट वही 20-21-22 ऐसा है। हमारा जो गोल्डन प्राइस जो रेट में जो फाइनल हुआ है सारा चीज़ वो है 17,500, और ये रेट पे ये पूरे मार्केट में कोई नहीं देने वाला है। अब मैं सर से एक बार ये भी जान लेता हूँ जो लोग चारधाम यात्रा के लिए आते हैं उनके लिए क्या बजट होने वाला है, चारधाम यात्रा के लिए कितना क्या खर्चा होने वाला है? चारधाम यात्रा का अलग अलग है, कैसी गाड़ी चाहिए, 4 सीटर चाहिए, 8 सीटर चाहिए, 12 सीटर चाहिए, 14 सीटर चाहिए, हर गाड़ी का अलग अलग रेट है जी। तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए कोई अगर मैक्सिमम तो बहुत अपनी फैमिली लेकर ही आते हैं, तो एक अगर मान लीजिए बड़ी गाड़ी अगर लेती है कोई जैसे बुलेरो हो गया, मैक्स हो गया, उसमें क्या बजट आएगा? 4,000 रुपये पर डे के लगभग रेट से। और कितने दिन के हिसाब से होगी चारधाम यात्रा? 10 दिन की चारधाम, मिनिमम 10 दिन के लिए। चल
टवेरा वालों की अपनी इंजॉय है, इनोवा वालों से ज़्यादा, उसकी सारी सीटें फ्रंट हैं, इनकी रेफरेंस हमें श्री श्याम निवास से ही हमें मिली थी और ये सौरभ को ही मिल गई थी, तो भाई हमें लेकर आए इधर। सो आइए केदारनाथ, हरिद्वार रुकिए, यहीं से अपनी गाड़ी जो है वो बुक कराइए यात्रा की। नमस्कार अंकल।